सो हाय गाइस, मैं हूँ राकेश कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर के राजावर में। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल बिल्कुल सही देखा है, उसी के बारे में आपको बताया जाएगा पेटीएम 7 में 70 ऑफर के लिए। और चलिए समय ना गवाते हुए अपने डायरेक्ट पेटीएम ऐप में चलते हैं और बताते हैं क्या तरीका है अकाउंट कराने का। तो ये है मेरा पेटीएम ऐप और मैंने इसे पैरेलल स्पेस में खोला हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा पेटीएम ऐप। और चलिए के आपको दिखा देते हैं, ये है मेरा नंबर और ये फुल KYC अकाउंट हो। और इस पर चलते हैं ऑफर वाले सेक्शन में और देख सकते हैं मेरा ऑफर है और ये ऑफर वाला सेक्शन है, माई ऑफर है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 पेमेंट काउंट कराया है और अभी अभी इसको आपको खोल करके दिखाएंगे। वहाँ पर देख सकते हैं कि कब काउंट किया गया है, 10 जून को ये ऑफर काउंट कराया गया है और आज है 13 जून और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए जो KYC अकाउंट है उस पर आप ऑफर काउंट करा सकते हैं, लेकिन आपके पास मिनी KYC अकाउंट है अगर उसमें 7 में 70 दिखा रहा है तो उस ऑफर को आप काउंट नहीं करा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेटीएम में जितने भी 3-4 जितना पुराने वर्जन थे 7.3.5 या उससे भी लो क्वालिटी के वर्जन जो भी थे उसमें UPI का सर्वर डाउन कर दिया गया है, वहाँ पर पेमेंट करने पर UPI का सर्वर नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास KYC अकाउंट है और उसमें 7 में 70 दिखा रहा है तो आप ऑफर बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या होगा, ऑफर एक्टिवेट कर लेंगे और जैसा कि आपने देखा दिखा दिया हूँ मैं 10 जून को, मतलब ये मैंने किया हुआ है। और जो दिक्कत आ रहा है पेटीएम UPI सर्वर में पुराने वर्जन में वो 28 मई से ही दिक्कत चल रहा है। तो आपको सिंपल क्या करना क्या है, जो भी आपके पास मर्चेंट अकाउंट है उसको आपको करना है स्कैन। देखिए आपको जो पैसा कराना है मतलब पे करना है वो आपको बैंक से करना है पे। देखिए वॉलेट से करेंगे, हम जानते हैं कि वॉलेट से पे नहीं होता है, अगर आप बैंक से करेंगे तो आपका ऑफर काउंट हो जाएगा। तो सिंपल सा आपको चलना है पे वाले ऑप्शन में और आपको ना QR कोड स्कैन करना है। जैसे ही QR कोड स्कैन करेंगे और यहाँ पर अपना QR कोड स्कैन कराएंगे और जैसे ही स्कैन कराएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं पे करने का ऑप्शन आ रहा है और ये हमारा QR कोड स्कैन हो गया है। और मेरे अमाउंट में डालना है मिनिमम अकाउंट आपको 2100 पेमेंट करना है, लेकिन मैं यहाँ पर 2500 डाल देता हूँ। और अब यहाँ को सिलेक्ट करना है, वॉलेट सेलेक्ट नहीं करना है, वॉलेट को आपको बैंक अकाउंट पर सिलेक्ट करना है। देखिए बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे फिर भी आपका ऑफर काउंट हो जाएगा। देखिए उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा गया है, अगर आप UPI से पेमेंट करेंगे तब भी आपका ऑफर काउंट होगा, लेकिन अगर आप बैंक से पैसा कटवाते हैं तो भी आपका ऑफर काउंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपना पासकोड डाल लेता हूँ और पे पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही पे पर क्लिक करूँगा मेरा मतलब पेमेंट सक्सेसफुल होगा और आपके सामने अभी चल के दिखाता हूँ मतलब ऑफर काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए जिनके पास फुल KYC अकाउंट हो तो अपना मतलब कर सकते हैं 7 में 70 जो ऑफर है, लेकिन जिनके पास मिनी KYC अकाउंट है वो अपना बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए मेरा 2 पेमेंट था अकाउंट और यहाँ पर तीसरा अकाउंट हो चुका है आपके सामने 13 जून, 1:56 हो रहा है। वीडियो अपलोड करने में 2 से 2.5 घंटा लग सकता है क्योंकि एडिटिंग करना होता है उसके बाद अपलोड करना होता है। और चलिए आपके सामने एक और पेमेंट करके दिखा देते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक दिन में 2 पेमेंट होता है और मिनिमम पेमेंट 2100 करना होता है। और इस ऑफर को करने के लिए आपको 7 मर्चेंट की ज़रूरत है, यानी 7 पेमेंट करने हैं हर एक मर्चेंट पे। और यहाँ पर मैं अपना फिर से यहाँ पर अमाउंट में डाल लेता हूँ 2500 और फिर से बैंक सेलेक्ट करता हूँ और अपना पासकोड डाल लेता हूँ। जैसे ही पासकोड डाल के पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और मेरा पेमेंट सक्सेसफुल होगा। और फिर से एक बार आपको चलते हैं ऑफर वाले सेक्शन में, वहाँ से आपको चेक करके दिखाते हैं ऑफर काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए इस ऑफर का इस्तेमाल करने के लिए आप कोई सा भी वर्जन ले सकते हैं बस, लेकिन आपके पास फुल KYC अकाउंट होगा तभी आप कर पाएंगे। अगर आपके पास फुल KYC अकाउंट नहीं है, मिनी KYC अगर उसमें आप बैंक ऐड किए हैं तो भी वो अपना काम कर देगा। 7 में 70 UPI जो ऑफर चल रहा है उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। देखिए मेरा ऑफर 4था पेमेंट अकाउंट हो चुका है, आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट कर दिया है उतना एरिया 13 जून 1:57। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए वो सर्वर डाउन है इसलिए UPI का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मतलब यही था कुछ तरीका करने का, अगर आपके पास KYC अकाउंट तो कर सकते हैं और आपके पास मिनी KYC अकाउंट तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।